बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। राशिद अपडेट्स के तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़ज़ाना तैमूर जगरा ने कहा है कि हमने कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम शुरू कर दिया है, अगले दो तीन सालों में पूरा पाकिस्तान इसको शुरू करने पर मजबूर हो जाएगा। सूबे पर बोझ कम करने के लिए कार मोनेटाइजेशन पॉलिसी लाई जा रही है, जिससे 20 अरब रुपये की बचत होगी और सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल को रेगुलेट किया जाएगा। मुझे लगता है और आप देख लेंगे कि अगले दो तीन सालों में पूरे पाकिस्तान को अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आप देख लें, ये इसको कहते हैं एक्शन लेना। आपको पता है कि आज यहाँ पे इस्लामाबाद यानी सॉरी रेलवेज का हेडक्वार्टर लाहौर में है, लेकिन आपको पता है कि रेलवेज के 1.5 लाख पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल रही, क्योंकि किसी ने पेंशन को फंड करने का तरीका नहीं सोचा। ये वो पहली गवर्नमेंट है पाकिस्तान में जिसने उसका हल निकाल दिया एक फंडेड पेंशन प्रोग्राम के थ्रू, राइट। इसी तरह हमने गाड़ियों की लीज की और मोनेटाइजेशन की एक वैसे पॉलिसी बनानी है जो कॉर्पोरेट सेक्टर में, जिनमें सरकारी अफसर के पैकेजेस भी बेहतर होंगे, सरकार को फायदा होगा। हमारे पास अंदाजा लगाया है कोई 15,000 गाड़ियां सरकार की किटी पे, अगर ये ऑफलोड हो जाए तो वन ऑफ हमें कोई 20 अरब रुपए मिलेंगे, और इनकी मेंटेनेंस, इनकी जो सारी देखभाल है वो सरकारी अफसरों के जिम्मे लग जाएगी, तो जो मिसयूज़ होता है गाड़ियों का वो ख़त्म हो जाएगा। पूरी दुनिया में होता है, हम क्यों नहीं कर सकते। मेरी एक्चुअली एक जो है वो आप समझें कि एक ऑफर भी है कि अगर वफाकी हुकूमत सिर्फ तनख्वाहें और अलाउंसेस जानना जानती है और सूबों से पैसे जो है वो रिवर्स करना जानती है, तो हमारी असिस्टेंस ले ले, हम तैयार हैं। हम उनको दिखा देंगे कि एक हुकूमत को कैसे चलाया जाता है, एक बजट जो है वो कैसे बनाया जाता है, और ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे।